This chapter, chapter number 14, is about electromagnetism, the branch of physics which deals with the magnetism produced due to an electric field, and at the same time a changing magnetic field produces electric field. So इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से करंट जो है वो जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड, एंड एट द सेम टाइम जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रहा है उसकी एक वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, एंड द चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट वाइस वर्सा. सो लेट्स स्टार्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर. अब इन्होंने कंसीडर किया हुआ एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर, कोई थिक कॉपर वायर वो कंसीडर की हुई है, विच पासेस इट वर्टिकली थ्रू अ होल इन अ हॉरिजॉन्टल पीस. अभी इस होल के अंदर से ये पास कर रही है. इसमें ये देख सकते हैं आप अरेंजमेंट दिखाई हुई है कि ये एक पीस है, कोई पीस ऑफ कार्डबोर्ड लिया हुआ है जिसके अंदर एक होल ड्रिल किया हुआ है, और उसके अंदर से पास एक वर्टिकल वायर, कॉपर वायर की हुई है जिसको किसी बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है जो कि सप्लाई करेगी उसको वोल्टेज. इस वोल्टेज सेल की वजह से इस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, और अबाउट दिस कंडक्टिंग वायर कंसेंट्रिक सर्कल्स ये जो क्रिएट हो रहे हैं, ये किस तरह से क्रिएट हो रहे हैं कि कैंपस को, जो कैंपस नीडल है, स्मॉल कैंपस नीडल को नियर द वायर रखा गया, और उसमें देखा गया कि कैंपस नीडल की डायरेक्शन जो है इट इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन. इसको पूरा ट्रेस किया अराउंड द कंडक्टिंग वायर, तो इसमें नीडल ने जो है वो पॉइंट किया इन द सेम डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ, और उसको ट्रेस किया गया तो कंसेंट्रिक सर्कल्स क्रिएट हुए. तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर हैंस ऑयस्टर के अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी की भी वायर में उसके करीब कोई कंपस नीडल रखी जाए तो वो नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करती है. अब डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल शोज दैट कि अगर कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने की वजह से बाय थ्रू दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट ये डिस्कवर हुआ कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होती है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में ट्रेस की गई बाय यूजिंग दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट. हियर इट इज मेंशन, टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर and pass it vertically through a hole in a horizontal piece of cardboard. जैसे कि आपको symmetry सारी दिखाई arrangement, उस तरह से experiment perform किया जा रहा है. Cardboard के अंदर एक hole drill करके vertically thick copper wire को attach किया जा रहा है. Place small compass needles on the cardboard along the circle with the center of the wire. All the compass needles will point in the direction north to south. यानी देखिए यहाँ पे compass needle को रखा गया तो वो north to south, और उसको ट्रेस किया गया तो कंसेंट्रिक सर्कल्स क्रिएट हो गए. जब आपने उस नीडल को रोटेट किया अक्रॉस द अराउंड द वायर तो उसमें सर्कल्स क्रिएट हो गए, और अब ये देखते हैं कि जब तक करंट उसमें से फ्लो कर रहा है वो कैंपस नीडल डिफ्लेक्ट करती है. अगर करंट जो है थ्रू द वायर जो पास कर रहा है उसको स्टॉप कर दिया जाए, अगर करंट को स्टॉप कर दिया जाए तो नीडल जो है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन भी आ जाती है, वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करती है. तो इट मींस दैट एज लॉन्ग एज करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज देयर एंड द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स इन द डायरेक्शन, और अमाउंट ऑफ करंट जितनी इंक्रीज की जाए तो उतने ही ज्यादा डिफ्लेक्शन नजर आती है, और वो उसकी शेप जो है इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में क्रिएट होती है. तो ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है जिसको परफॉर्म किया गया, और इससे डिटरमिन हुआ कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है.
अब करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होती है, फिनोमेना किस तरह से है कि जब आप बैटरी को ऑन करते हैं तो करंट इज ग्रेजुअली इंक्रीजेस, जीरो होता है पहले करंट एम्पियर और जब आप ऑन करते हैं तो ग्रेजुअली उसमें से करंट फ्लो करने लगता है। अब करंट जब फ्लो करता है, आपको पता है कंडक्टर में करंट के जो कैरियर्स हैं, जो चार्ज कैरियर्स जो चार्ज को मूव करवाते हैं, वो फ्री चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। अब वो करंट की वैल्यू जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचती है, तो इसलिए इस चेंज ऑफ करंट की वजह से, चेंज ऑफ करंट की वैल्यू की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। अब उस एक्सपेरिमेंट में कुछ कंक्लूजंस की गई, वो ये थी कि अब मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप इन द रीजन सराउंडिंग अ करंट कैरिंग वायर, यानी जो करंट कैरिंग वायर है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का रीजन सेटअप हो जाता है। सेकेंड, द लाइन्स ऑफ फोर्स आर सर्कुलर एंड देयर डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब उनकी डायरेक्शन जो है, अब इसके अंदर ये जो डायरेक्शन की बात की गई है, इसकी डायरेक्शन क्या किस तरह से है कि बाई आप वीडियो देखें। अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि करंट के फ्लो की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो कंसेंट्रिक लाइन्स की डायरेक्शन जो है इस तरह से है, इट इज क्लॉकवाइज। अगर ये डायरेक्शन जो है वो आप अपोजिट कर दें तो ये डायरेक्शन जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। यानी इस वक्त डायरेक्शन इसकी डाउनवर्ड है, करंट कैरिंग की, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसलिए यहाँ पे जो कंसेंट्रिक सर्कल्स में आपको ये नजर आ रही है वायर्स, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। अब नेक्स्ट में रिवर्स कर देते हैं करंट की डायरेक्शन। अब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी तो आप ये देख सकते हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज द मैग्नेटिक फील्ड लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। जब तक करंट फ्लो कर रहा है वायर में से, तब तक आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मौजूद रहेंगी। जब करंट को आप फ्लो बंद कर देंगे, अगर कंसीडर करते हैं ये बैटरी जो आपने अटैच की है वो रिमूव कर देते हैं, तो करंट का फ्लो फ्रॉम द कंडक्टर रुक जाएगा, और जब ये करंट का फ्लो फ्रॉम द कंडक्टर रुक जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ द लाइन्स ऑफ फोर्स कैन बी फाउंड बाय अ रूल एंड दिस रूल इज नोन एज राइट हैंड रूल। अब इस राइट हैंड रूल की डायरेक्शन मैंने बताई भी है कि अगर आप वो जो करंट कैरिंग रॉड है उसको अपने हाथ में पकड़ते हैं इन द राइट हैंड, तो योर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट व्हाइल द कर्व्स ऑफ योर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अगर ये थंब जो है अपवर्ड, आपने कंसिडर किया है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन है थंब की, यानी करंट इज मूविंग अपवर्ड, तब कर्व्स ऑफ द फिंगर से हमें पता चलता है कि रोटेशन ऑफ द कर्व से मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज एंटी क्लॉकवाइज। एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, अब ये थंब को डाउनवर्ड ले जाएं, अगर ये डाउनवर्ड ले जाएंगे तो कर्ल ऑफ फिंगर्स की आप देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स क्लॉकवाइज। सो बाय यूजिंग दिस राइट हैंड रूल वी कैन डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। We have seen that a current carrying conductor sets up its own magnetic field. जैसे कि पहले एक्सपेरिमेंट में ऑयस्टर ने ये प्रूव किया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अबाउट मैग्नेटिक फील्ड डेवेलप होती है, क्योंकि करंट की वैल्यू चेंज करती है, करंट की वैल्यू चेंज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवेलप हो रही है। और करंट अगर होगा, करंट फ्लो कर रहा है, चार्जेस की मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है। अगर चार्जेस की मूवमेंट बंद हो जाए, यानी फ्लो ऑफ करंट रुक जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड रिमूव हो जाएगी। इफ सच अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर विल इंटरैक्ट विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड है विच हैज बीन इंड्यूस्ड
बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी जो करंट के फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके कंडक्टर के अंदर इंड्यूस हुई है, एक वो फील्ड है। और अगर इसी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट नॉर्थ एंड साउथ पोल के इन बिटवीन रखते हैं, एज अ रिजल्ट देखते हैं एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी। अब वो फोर्स कैसी एक्सपीरियंस हो रही है कि दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करेंगे, इनकी इंटरैक्शन की वजह से द कंडक्टर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब द अमाउंट ऑफ फोर्स क्या होगी, ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया बाय अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। इसमें आप ये देख सकते हैं, ये उन्होंने कंसिडर किया हुआ है कि ये कॉपर रेल्स हैं, ये दो कॉपर रेल्स हैं, दीज आर द टू कॉपर रेल्स, ये जो आपको शेडेड एरिया में नजर आ रही हैं, येलो जो है ये कॉपर रेल्स हैं, उसके ऊपर एक कॉपर रॉड, इन दोनों के दरमियान कॉपर रॉड जो है इट हैज अ लेंथ ऑफ कैपिटल एल, दिस एल, स्मॉल एल मेंशन ओवर है, एल की लेंथ ऑफ द रॉड है, और ये कोई मैग्नेटिक फील्ड अबाउट रखी हुई है, यानी इसकी डायरेक्शन ऑलवेज कौन सी होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ पॉइंट करती है। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड जो है, हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक पोल है एंड अदर पोल हियर, और इसमें ये पोल जो है ये हमारा साउथ साउथ पोल है कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ पे साउथ पोल है और यहाँ पे नॉर्थ पोल आएगा, ठीक है। ये आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की कोई कंसीडर करते हैं कि आपने अरेंजमेंट की भी है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रही है। अब इसके इन बिटवीन क्या मौजूद है, ये कॉपर का रेल है, उसके ऊपर एक कॉपर की रॉड है, कॉपर के रेल को पोटेंशियल प्रोवाइड किया जा रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड उसका किसी बैटरी के साथ कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। अब इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, अब ये करंट का फ्लो इसके अंदर, करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, अब ये कंडक्शन जो है इस रेल के ऊपर ये कंप्लीट सर्कल कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, ये रेल की सेपरेशन ये है, इनके इन बिटवीन जो एंगल बन रहा है, द एंगल इन बिटवीन दिस इज, यहां जो हम कंसीडर करते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपकी ट्रेल है, इसके अबाउट जो एंगल क्रिएट होगा, इसमें ये जो एंगल बन रहा है, दिस This angle is known as alpha. ये angle alpha है, ठीक है। अब इस angle के ऊपर भी force depend करती है कि angle की value क्या होगी। The sine alpha हम ये किसी consider करते हैं कि maximum value कब होगी, जब आपका ये trail और magnetic field आपस में perpendicular, एक दूसरे के perpendicular होंगे, 90 डिग्री का होगा, तो मैक्सिमम उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करेगी। नाउ ये डिफरेंट इसके अंदर फॉर्म्स हैं, अगर हम इसके देखें कि फोर्स किस किस के प्रोपोर्शनल, फर्स्ट ऑफ ऑल द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, अभी इसमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू साइन एल्फा, वेयर एल्फा इज द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द फील्ड। फ्रॉम दिस आप ये डिटरमिन कर सकते हैं कि ये एफ इज प्रोपोर्शनल टू साइन एल्फा, और ये मैक्सिमम कब होगी, जब एल्फा की वैल्यू 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है साइन 90 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो वो मैक्सिमम वैल्यू उस वक्त देगी जब आपने ये जो अप्लाई किया हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो कंडक्टर रखा हुआ है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे।
राइट एंगल पे होंगे. सेकेंड द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. एज यू नो कि द अमाउंट ऑफ करंट से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है. करंट की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी. सो द अमाउंट ऑफ करंट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से ये कंडक्टर के ऊपर फोर्स आ रही है. द थर्ड पॉइंट, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर इन साइड द मैग्नेटिक फील्ड. लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है कि जितना अमाउंट ऑफ लेंथ ऑफ द वायर जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है कितनी अमाउंट ऑफ करंट आपका फ्लो करेगा. तो लेंथ जो है इससे प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड. फोर्थ वन, द फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. अब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्गर द फील्ड होगी ग्रेटर द फोर्स होगी. अगर वीक होगी तो फोर्स भी वीक होगी. अब ये इससे कंसिडर करते हैं कि जब आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जितना आपने उसके करीब रखा है, मैग्नेटिक पोल्स के इन बिटवीन रखते हैं, जितना आप उसकी मैग्नेटिक फील्ड से दूर होते जाएंगे स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड डिक्रीज करती है. जितनी आप करीब होते हैं उस सोर्स से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करती है. तो बाय कंबाइनिंग द फैक्टर, ये जो है जितनी सारी प्रोपोर्शनैलिटीज को कंबाइन करें तो फोर्स ऑन द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एंड साइन अल्फा इज द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड. तो प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया गया, दैट इज के. के इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट्स वैल्यू इज वन. और ये जो आपका एफ की वैल्यू आएगी, एफ इज इक्वल टू दैट इज द फोर्स ऑन द कंडक्टर, आई एल बी साइन एल्फा, आई इज द करंट, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बी इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वेल साइन एल्फा, एल्फा इज द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड. और वो मैक्सिमम कब होगा, जब द लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री को, यानी दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे होंगे. तो अब हमारे पास मैक्सिमम फोर्स अप्लाई गई होगी और हम इसको कहेंगे कि बी जो है आपके बी इज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इट डिटरमिन्स द स्ट्रेंथ, और इसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं. So the magnetic induction, its unit is 1 Tesla. We can define the magnetic induction as the force exerted on a conductor of 1 meter length carrying 1 ampere current placed at right angle to the magnetic field. So 1 Tesla is equal to, agar 1 Tesla ki form karein, to ye dekhen likha hua hai isme. रीअरेंज करें आप इसको, तो रीअरेंजमेंट में यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, जैसे मैक्सिमम जो फोर्स है, मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू विल बी एफ इज इक्वल टू, के की वैल्यू वन है, आई एल बी और साइन अल्फा, अल्फा में अगर अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है तो ILB is the maximum force exerted on the conductor. तो इसके लिहाज से हम ये determine कर सकते हैं B will be, that is the magnetic induction or the strength of the magnetic field, B is equal to force divided by IL. तो इसके units क्या होंगे, Newton per, I is for the ampere and length is for meter. So ye 1 Tesla is equal to 1 Newton per ampere meter. So 1 Tesla ki aapki value jo hogi, and in the form of a vector form, agar aapne isko determine, kyunki ye jo force hai, abhi to humne ye baat ki in the form of magnitude, kyunki ye ek force hai, to force ki value jo hoti hai, फोर्स जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर कंसीडर की जाती है. तो मैग्नीट्यूड जो है आई एल बी, करंट इनटू लेंथ इनटू मैग्नेटिक इंडक्शन इज द फोर्स मैग्नीट्यूड. सो डायरेक्शन विल बी आई एल इनटू बी, यानी जिस फील्ड के अंदर हम ये कंसीडर करते हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर और
जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है इन दोनों के दरमियान जो एंगल दैट इज अल्फा, इट डिटरमिन द एंगल बिटवीन लेंथ. और जिस अगर आपने डिटरमिन करना है अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल द फोर्स डायरेक्शन, द फोर्स डायरेक्शन किस तरह होगी, जिस रीजन में ये लेंथ और बी द मैग्नेटिक फील्ड लाए करेंगे उसकी परपेंडिकुलर होगी फील्ड फोर्स की वैल्यू. अब फोर्स की वैल्यू परपेंडिकुलर किस तरह होती है कि आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा दो के दरमियान क्रॉस पर ए क्रॉस बी की फॉर्म लेते हैं. तो ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा की फॉर्म में लेते हैं. तो एन वॉज द यूनिट वेक्टर. तो एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती थी, जिस रीजन में ए और बी लाए कर रहे हैं. जैसे हम ये कंसिडर करते हैं कि इस रीजन में यहां पे ये ए लाई कर रहा है, इस डायरेक्शन पे बी लाई कर रहा है, तो इसकी अबाउट यानी टुवर्ड्स यू, आइदर टुवर्ड्स यू और अवे फ्रॉम यू इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. ए क्रॉस बी उसकी वेक्टर की डायरेक्शन होती है. जिस डायरेक्शन में अगर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि इस डायरेक्शन में बी लाई कर रहा है और इस डायरेक्शन में एल लाई कर रहा है, तो इनके परपेंडिकुलर, इनके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इसको शो करवाया हुआ है इन दिस फॉर्म, ये आप ये देख सकते हैं बाय राइट हैंड रूल. दिस बाय राइट हैंड रूल कंसीडर किया हुआ है बी की डायरेक्शन, इट इज अपवर्ड. आई की डायरेक्शन, आई की डायरेक्शन उन्होंने आउटवर्ड शो करवाई है. ठीक है, तो फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द थंब, टुवर्ड्स द पाम ऑफ द फिंगर, इसको हम ये शो करवाते हैं. हियर यू कैन सी दैट द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंड द करंट डायरेक्शन एंड द फोर्स डायरेक्शन बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल. आप ये डिटरमिन कर सकते हैं ये जो करंट is coming out of the screen, ठीक है, out of the screen है. मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो अपर डायरेक्शन में है और उसके परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर जो है वो फोर्स एक्टिंग ऑन, यानी देख आप अगर ये देखें तो इसकी फॉर्म में ये बताया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड बी, आई करंट एंड द फोर्स ऑल थ्री आर मेकिंग राइट एंगल विद ईच अदर. So by using the Fleming's left hand rule, this second method hai in order to determine the force. By using the Fleming's left hand rule, you can determine the direction of the force. For the right hand rule, humne ye consider kiya hua hai ki aapne finger apni consider, apni right hand consider kare. Usme jis region ke upar magnetic field और लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगा उसके परपेंडिकुलर विल बी द फोर्स. सो बाय यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यू कैन डिटरमिन, ये बताता है बी आई और एफ के दरमियान रिलेशन, जबकि राइट हैंड रूल इज द रिलेशन बिटवीन बी एल एंड एफ. अब ये फिगर नंबर 14.4 देखें. द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस एट राइट एंगल टू अ मैग्नेटिक फील्ड. अब ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसके अबाउट आपने ये करंट कैरिंग कंडक्टर रखा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर इसकी वजह से ये कंसेंट्रिक सर्कल्स क्रिएट हुए. एक ये मैग्नेटिक फील्ड है और एक ये मैग्नेटिक फील्ड है. अब यहां पे देखें तो ये इंटरेक्ट करेंगी. इंटरेक्शन किस तरह से हो रही है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इसकी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से उसके साथ इंटरैक्ट करेंगी, दे विल रीइंफोर्स ईच अदर. अब इस केस में यहां पे ये डायरेक्शन जो है ये डाउनवर्ड है और इस केस में ये डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, कंसेंट्रिक सर्किल्स की भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है. तो यहां पे वो क्या करेंगी, ए रीइंफोर्स करेंगी
जबकि राइट हैंड साइड पे ये जो डायरेक्शन है इसमें देखें ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है. अब इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर. अब ये कैंसिल आउट करेंगी तो इस पॉइंट पे हम कहेंगे राइट हैंड साइड के ऊपर जो फोर्स होगी नेट फोर्स दैट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी वी, क्योंकि वो कैंसिल आउट कर रही है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे स्ट्रांग होगी. तो फोर्स जो है कंडक्टर विल मूव टुवर्ड्स द बिगर पार्ट ऑफ द फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑलवेज. अब ये जिस ये देखते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, हाई टाइट से लो टाइट की तरफ मूव करता है. इसी तरह करंट कंडक्टर में भी वो जो फोर्स अप्लाई होगी इट विल मूव टुवर्ड्स द वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड. वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड. अब इसमें ये देख सकते हैं कि ये जो डॉट सिंबल्स, इसमें एक और चीज मेंशन की हुई है, आउट ऑफ द पेज एंड इनटू द पेज. अगर किसी फील्ड की यूजली, अब आप नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन आपको अपवर्ड या डाउनवर्ड करके नहीं दिखाई जाएगी बल्कि डॉट और क्रॉस की फॉर्म में दिखाएगी. ये अकॉर्डिंग टू द एरो हम कंसिडर करते हैं. आपने एक आम एरो को कंसिडर करें, इफ द एरो इज कमिंग टूवर्ड्स यू तब आप उसकी टिप देखते हैं. जब आप उसकी टिप देखते हैं तो वो एक डॉट की तरह आपको नजर आती है. तो इसका मतलब है इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द पेज इट इज कमिंग टूवर्ड्स यू तो वो डॉट के साथ रिप्रेजेंट होगी. एंड इफ द एरो इज गोइंग आपके पास से दूर जा रहा है तो आप उसका बैक साइड देखते हैं जो कि क्रॉस की फॉर्म में होता है. ठीक है, तो उससे आप ये डिटरमिन कर सकते हैं इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इन टू द पेपर और अवे फ्रॉम यू then it is represented by a symbol of cross. So this was about force on a current carrying conductor. और current carrying conductor की वजह से force apply होती है उसको दो rules, right hand rule as well as Fleming's left hand rule, इससे आप determine कर सकते हैं direction of the force applied on the conductor.